या उसके कोई मानी है या काबिल तस्लीम है या उसको नज़रअंदाज करना मुनासिब नहीं है। इस किस्म के तसव्वुरात जिनको मादियत कहना चाहिए उनके इर्द गिर्द हमेशा जमा रहते हैं और जब कभी किसी ग़ैब का तज़किरा किया जाता है तो वो हमेशा एक ही मुतालबा करते हैं। वो कहते हैं कि जब तक डिमॉन्स्ट्रेशन न किया जाए उस वक्त तक हम किसी ग़ैब से न तो मुतारक हो सकते हैं न किसी ग़ैब के मुतालिक यकीन करने को और ये समझने को कि ग़ैब कोई चीज़ हो सकता है हम तैयार, या ये कि हम साइंस की दुनिया में लफ्ज ग़ैब को या ग़ैब के तस्करों को कोई जगह देने के लिए आमादा है। बात है वो जिस तरह भी कहते हैं ये तो सिर्फ तर्ज फिक्र है और तर्ज गुफ्तगू है, लेकिन अमली दुनिया में और तफक्कुर के अमली मंजिल में वो उसी मकाम पर है जिस मकाम पर कि एक आदमी ग़ैब पर यकीन करने वाला अल्लाह ताला की ज़ात को पेश करता है और उन तमाम एजेंसियों को तस्लीम करता है जिनका तस्करा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया है, और वो एजेंसियाँ जो सच्चे ईमान और किसी ऐसे शख्स पर जो अल्लाह ताला को मानता है अपना तसल्लुत रखती और उन तमाम एजेंसियों और उन तमाम हस्तियों को वो ऐसी जिंदा हकीकत और ऐसी ठोस मानवीयत तस्लीम करता है जैसे कि मादा पर किसी पत्थर की या मादन या किसी ऐसी मजाहिर से मुतालिक चीज को तस्लीम करते हैं जो उनके सामने बतौर मुशाहदे के हमालक रहती है और जिसको वो छूते चखते देखते और समझते हैं, जिसके मुतालिक वो ये कहते हैं कि उसमें तवज्जो है, इसमें परवाज़न है, इसमें एक इंतजार है, इसमें ताकत है, इसमें कुवत है, और जिस किस्म की चीज़ें हैं यानी वो मादियत की दुनिया में देखते हैं इन तमाम चीज़ों का वो इसी तरह तस्करा करते हैं और उन पर एक ख़ास तर्ज से ईमान रखते हैं। दूसरे अल्फाज में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक खुदा का पुरस्कार जिस तरह ग़ैब की दुनिया पर ईमान रखता है बिल्कुल उसी तरह माद्य का पुरस्कार मादियत की दुनिया पर यकीन करता है, न उसको ग़ैब की दुनिया पर ईमान रखे बखे प्यारा है और न मादियत तरफ को माद्य पर ईमान लाए बगैर नफर है। दोनों एक न एक तर्ज रखते हैं और उनमें ये चीज मुश्तरक है कि उस तर्ज पर उनका ईमान और यकान होता है, उसी ईमान और यकान को जिंदगी कहते हैं। असल में कहने की बात यह है कि कोई जिंदगी बगैर ईमान और यकान के नामुमकिन, ख्वाब किसी खुदा परस्त की जिंदगी हो या मादा परस्त।